फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा स्वैग ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो पहले तो मैं बता दूँ, मैंने अपना वेट कम करा है 1 मंथ में 10 kg। और उसमें मैंने कैसे किया है, मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। डाइटिंग मतलब ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया, एकदम भूख हड़ताल पे आ गई, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि तुम अगर एकदम से भूख हड़ताल या मतलब कहते डाइटिंग करते तो तुम्हारे वेट तो एकदम कम होता है बट तुम बीमार भी होने लग जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की, मैंने खाते खाते ही वेट कम करा है, वो भी 10 kg। तो कैसे किया, क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या मैंने लिया, पूरा दिन मैं कैसे क्या करती थी, वो सारे आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने वेट कम करने के लिए खाया, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड किया। पहले जैसे मैंने पहले तो मैं बता दूं कि मैंने रोटी छोड़ दी थी। रोटी ऐसा नहीं कि खाते हैं तो आपका वेट पुट ऑन होता है, बट मैंने कुछ टाइम छोड़ी क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, एकदम से बढ़ता चला गया था। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने पहले सबसे पहले रोटी को बंद किया और उसके साथ ही मैंने वॉक स्टार्ट की। डेली मैं स्टार्टिंग मैंने 2 राउंड 3 राउंड मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे स्टार्ट की। 3000 स्टेप्स 4000 स्टेप्स ऐसे किया। अब मैं डेली के 20,000 स्टेप्स करती हूँ। पहले 3000 भी बहुत बड़े लगते थे बट अब 20,000 भी बहुत कम लगते हैं। वही आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर इसको एक लाइफस्टाइल की तरह, एक डेली रूटीन की तरह लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। स्टार्टिंग में हाँ मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई थी, कई बार लगता था कि बाहर का खा ले, कई बार लगता था यार कुछ बना के खा ले, जैसे कि छोले चावल राजमा ये सारी चीज़ें खा ले, बट थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। ऐसा नहीं है बहुत डिफ़िकल्ट है, हाँ स्टार्टिंग में है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में आपका मन भी करता है खाने के लिए और आप चीज़ों को देख के जैसे बाहर जाते हैं तो आपका करता है यार कुछ खा लेते हैं, गोलगप्पे दिखते हो खा लें यार, छोटी तो चीज़ है, पानी तो है, ये तो है। ये सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल की, एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे करके पहले एक प्लेट हाफ प्लेट या फिर अब बिल्कुल बंद कर दी। और मैंने क्या क्या खाया मैं आज आपको दिखाती हूँ जो मैंने डेली रूटीन में शामिल किया और जिससे मेरा वेट कम हुआ। आप देख ही सकते हो, आपको शायद पहले की वीडियो, पहले के जो ब्लॉग्स डले होंगे मेरे मुंबई वाले और बहुत सारे जो डले थे उदयपुर वाले, उसमें और आज में बहुत फ़र्क दिखेगा। तो वो फ़र्क कैसे पड़ा और क्या क्या उसमें चीज़ें मैंने लाइफस्टाइल में इंक्लूड की। और मुझे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, पहले जब आप थोड़े हेल्दी होते मतलब मोटे होते हैं, वेट पुट ऑन करते हैं तो आपको आप लेज़ी भी हो जाते हैं, बट जैसे ही आप वेट कम करते हैं आप एक हर रोज़ सुबह उठते एक फ्रेशनेस के साथ, आपको अच्छा लगता है, एक्टिव रहते हैं आप पूरा दिन। और ये मैंने खुद अपने साथ फील किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इंक्लूड किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने सबसे पहले जब मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया था और बाहर की चीज़ें और घर का भी ऑयली बहुत कम करा था, क्योंकि ऑब्वियस है जाट है हम, तो थोड़ा घी हमारे खानों में ज़्यादा ही होता है और मुझे पसंद भी है रोटियों के, मैं दोनों तरफ लगा के खाती हूँ, बट वो मैंने अवॉइड किया। और उसके बाद जो मैंने सबसे पहले चीज़ अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड की वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये है वो चीज़, ये है इडली। हमारे घर में अब ये शायद आप कभी आए तो आपको ये देखने के लिए मिलेगी, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। मैं बाहर से यार आप रोज़ नहीं खा सकते क्योंकि आप कई बार सोचते हैं यार मंगा लेते हैं खा लेते हैं, वो रोज़ नहीं हो पाता। अब इससे सबसे अच्छा है कि आप घर पे ही इडली बनाइए, इडली बेटर आपको बाहर भी मिल जाएगा मार्केट में, आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं घर पे बनाने की वीडियो अगले मतलब एक दो डालूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे आप घर पे बना सकते हैं। अगर घर पे नहीं बना सकते आप तो बाहर से भी बैटर ले सकते हैं और घर पे इडली बना सकते हैं। इडली बनाने के लिए आपको एक बर्तन लेना होगा जो मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको पानी डालना, स्टीम करना है और ये इडली बन जाएगी ईजिली। बड़ा मेरे एक व्लॉग में है भी जो मैंने दिखाया कि इडली कैसे बनाई थी मैंने। तो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में इडली इंक्लूड की क्योंकि एकदम से खाना छोड़ना भी बहुत अलग होता है, आप रोटी एकदम छोड़ रहे, तो उसमें सबसे पहले मैंने इडली इंक्लूड की। पहले मैंने सुबह इडली खाती थी और रात को रोटी खाती थी, बट धीरे धीरे मैंने क्या करा, सुबह भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर और तीनों में इडली को शामिल कर लिया। इससे क्या होता था, मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता था और आप वॉक करते हो, आप कुछ भी करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये मैंने सबसे पहले इडली को इंक्लूड किया अपनी लाइफ में। उसके बाद जो मेन चीज़ मैंने इंक्लूड की वो थी ये ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए कहते हैं डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को, तो मैंने ग्रीन टी को इंक्लूड किया। और ग्रीन टी के अंदर मैं शहद डाल के पीती थी, गर्म पानी लीजिए और आप उसमें इडली ग्रीन टी डालिए और उसमें शहद डालिए और ये डाल के मैं पीती थी,
उसके बाद इसके अंदर मैं डालती थी नींबू। नींबू बहुत जरूरी है। और हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, मेरी दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी में नींबू डाल के। सबसे पहले मैं यही लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मतलब सुबह उठूंगी सबसे पहले गर्म पानी एक गिलास, उसके अंदर नींबू डालती हूँ पूरा एक, और सबसे पहले ये पीती हूँ, उससे मेरा दिन स्टार्ट होता है। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसने मेरे तो नींबू मेरी लाइफ में अब एक रोज़मर्रा की, और रोज़ मैं चाहे कुछ भी हो मैं नींबू ज़रूर रखती हूँ अपने पास। तो सुबह अगर आप भी वेट कम कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो वेट कम करना चाह रहे होंगे और नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है, बट आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि एक आप सबसे पहले तो आप बीमारियों से बचते हो, बहुत सारी बीमारियां नहीं तो आपके साथ आ जाती है, इसके साथ आप लेजी हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ लाइफ में आ जाती है। तो सबसे पहले आप अपने नींबू से स्टार्ट करिए, गर्म पानी में नींबू, मैं नहीं कह रही रोटी छोड़े कुछ भी छोड़े, बट नींबू से स्टार्ट करिए, गर्म पानी में नींबू लीजिए, सबसे फ़ायदेमंद है। मैंने खुद के साथ करा है और आप देख भी सकते हो, मैं फिट पतली नहीं कहूँगी, फिट हो चुकी हूँ, फिट बोलूँगी अपने आप को, तो वो पहले से एक अलग हो गया है। तो नींबू अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए गर्म पानी में, और एक ग्रीन टी ज़रूर इंक्लूड करिए, आप दिन में एक बार लेने से स्टार्ट करिए। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता कि एकदम फीकी सी है, कैसे लें, आप उसके अंदर शहद डाल के ले सकते हैं, तो मैंने भी शहद डाल के, क्योंकि मुझे भी ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, तो उस मैंने एक एक करके स्टार्ट किया। अब मैं दिन में 2 या 3 बार ग्रीन टी पी लेती हूँ। आपको आप सुबह एक तो नींबू पानी पीजिए, और सबसे पहले रात को सोने से पहले ग्रीन टी ज़रूर लीजिए, और उसमें शहद डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पी जा रही तो आप शहद डाल के ले सकते हैं, और शहद का बहुत अच्छा रोल है। एक और चीज़ बताऊंगी, आपको मीठे खाने की क्रेविंग होती है तो आप शहद ले सकते हैं, आप दिन में कि पानी में मिला के नींबू के साथ आप मिला सकते हैं, कि नींबू में, खैर मैं नहीं मिलाती बट बहुत से लोग मिलाते हैं, वो बहुत अच्छा है। अगर आप मिलाते हैं तो शहद को मिलाइए गर्म पानी में और पी सकते हैं। अगर मीठा, मैं कहूँगी कि देखो मैं मीठा इतना मुझे है नहीं क्रेविंग, कभी होती है मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, बट मीठा मैं लेती हूँ चाय में सिर्फ। अगर आप हो सके तो मीठा बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि मीठे से ही आपका फेस जो होता है ना, मैंने जो भी देखा है खुद के साथ भी करा है, आपके फेस पे फैट आता है, आपका फेस गोल हो जाता है ज़्यादा मीठे से। तो आप जितना हो सके मीठे को अवॉइड करिए, और अगर नहीं हो सकता बिल्कुल तो शहद लेना स्टार्ट कर दीजिए। और शहद भी नहीं होता बहुतों को पसंद, तो आप चाय ले सकते हैं। अगर मैं जैसे मैं तो चाय पीती हूँ, तो उसमें बहुत थोड़ा मीठा जितना पहले डालती थी उससे भी कम डालती हूँ, तो आप ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा, और आप घर पे भी चीज़ें बना के खा सकते हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा ही मीठा या ज़्यादा ही स्पाइसी होता है। अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा है तो आप घर पे बना के खाइए ये चीज़ें, जो आपको ज़्यादा अच्छी होगी, बेटर होगी। और ये इडली, ग्रीन टी और नींबू, ये तो मैंने इंक्लूड किया, इसके साथ मैंने अपनी लाइफ में पनीर को भी इंक्लूड किया। पनीर बहुत फ़ायदेमंद होती है, 0% फैट होता है इसके अंदर, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता, तो ये सबसे अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन की ऑब्वियस आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी, और आपने बिग बॉस जो लोग देख रहे हो सबको पता ही है, शालीन चिकन मांगता है क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए, तो आप चिकन नहीं खाते ऑब्वियस, नॉनवेज मैं भी नहीं खाती, तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप प्रोटीन पनीर से ले सकते हैं, तो मैंने भी पनीर ही खाती हूँ। मैं कई बार क्या करती थी, इडली के बैटर में पनीर को मिक्स कर देती थी उसके साथ। और एक और चीज़ है, मैं इस बैटर से चीला भी बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में कैसे बनाती हूँ। उस पर भी मैं ये पनीर डाल के उसमें पनीर डालती थी और पनीर डाल के खाती थी। तो पनीर को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप कच्चा भी खा सकते हो, आप इसको तवे पे रोस्ट करके भी खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। पनीर को अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो पनीर को ज़रूर इंक्लूड करिए। एक ये एक मिथ है बहुत लोगों में होता है कि पनीर से मोटे होते हैं, पनीर में ये होता है, नहीं पनीर में फैट नहीं होता। पनीर में फैट जब आता है जब आप शाही पनीर या उसमें क्रीम डालते हैं, या पनीर को पनीर में मतलब स्पाइसेस ये सारी चीज़ें डालते हैं, तो पनीर अच्छा नहीं होता। बट अगर आप ऐसे खा रहे हैं पनीर को तो बहुत अच्छा है। तो हो सके तो अपनी लाइफ में ये भी इंक्लूड करिए, जो कि मैंने किया है। और इसके साथ मैंने इंक्लूड किया अपनी लाइफ में ओट्स को, ये वाले ओट्स मैं ले रही हूँ, कई बार दूसरे भी ले लेती हूँ। ओट्स कोई भी हो आप ले सकते हो, ओट्स को आप बहुत अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे कि मैं इसके अंदर पनीर और पनीर डाल लेती हूँ, कभी कभी प्याज डाल लेती हूँ, कभी टमाटर, ऐसे करके, और हरी मिर्च, ये आप इसको बना सकते हैं। ओट्स बहुत जल्दी बनते हैं,
5-10 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में लेती थी अपने, इडली में लंच में लेती थी और ब्रेकफास्ट में ओट्स लेती थी। कई बार रात को भी ओट्स खा के सोने जाती थी, क्योंकि ओट्स सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि एक तो कैलरीज कम है इसके अंदर, और दूसरा इसमें फाइबर है। अगर किसी फूड में फाइबर होता तो वो आपको फुल रखता है, मतलब आपके पेट को फुल रखता है, आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत टाइम तक आप खाते नहीं हो बेसिकली ना, तो खाओगे नहीं तो ऑब्वियस आपका वेट भी कम होगा। तो और सबसे बेस्ट है अगर आपको एक रखना है कि हाँ मुझे बार बार कुछ खाने की आदत है, तो आप एक बार ओट्स खा लीजिए, एक बाउल ओट्स खा लीजिए, आपके लिए एनफ है 4-5 या 3-4 घंटे के लिए। तो मैं ओट्स को मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया और ओट्स से मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। हाँ एक और चीज़, ओट्स आप पानी में बनाना, पानी में उबाल के, दूध में मत बनाना। अगर आप दूध में बनाओगे तो आप मोटे भी हो सकते हो, क्योंकि दूध में या आप इसको घी में तेल में वो करके रोस्ट करके उसमें प्याज टमाटर ये कर बिल्कुल मत करना। अगर आप ये करके खाओगे तो आप ऑब्वियस है मोटे होगे। तो आप इसमें सिर्फ पानी के साथ उबालिए, दूध के साथ मत उबालिएगा। अगर आपको पतला होना तो ये आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने किया। ऑब्वियस है आप इडली भी पूरा रोज़ नहीं खा सकते हो, एक खाना खा के हर कोई बोर भी हो जाता है। तो इडली के साथ मैंने ओट्स किया, कभी पनीर को, ये सारी चीज़ मैंने इंक्लूड की ताकि अलग अलग एक टेस्ट बना रहे और मैं आराम से अपनी डाइट को कंटिन्यू। नहीं तो अगर आप एक ही चीज़, जैसे मैं इडली अगर डेली खाऊंगी तो वैसे मुझे बाहर का खाना या घर पे कुछ अलग बनाने के खाने का मन करेगा, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो आप ओट्स, पनीर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ लाइफ में इंक्लूड की, वो है मूंग दाल। मूंग दाल को भी मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। और दाल तो ऑब्वियस है, प्रोटीन बहुत होता है, दाल खाते हैं सब। और दाल भी आप ऐसे बनाइए कि उसमें, जैसे कि आप छोक लगाते हैं तो उसमें तेल का या घी का जो भी इस्तेमाल करें बिल्कुल ना के बराबर करिए, बिल्कुल ना। अगर आपको करना है छोक लगाना तो लगाइए, बट अगर आप बिल्कुल मैं कहूँगी पतला होना चाह रहे हैं और एक बिल्कुल फैट फ्री चाहते हैं, तो आप सिर्फ दाल उबालिए, और उबाल के उबालते टाइम उसमें जो नमक हल्दी ये चीज़ें डालते हैं उसके साथ आप टमाटर डाल दीजिए, ताकि आपको बाद में इसको छोक ना लगाना पड़े, क्योंकि टमाटर का भी टेस्ट आ जाता है उसी में। अगर आप बिना टमाटर के उबाल रहे हैं तो एक फीका सा टेस्ट आएगा, तो इसलिए आप 1 या 2 टमाटर जो भी है छोक में जो डालते हैं वो इसमें ही डाल दीजिए, तो इसमें आपका टमाटर का टेस्ट आ जाएगा। तो आपको ये ऐसी नहीं लगेगी कि उबली हुई दाल खा रहे हैं, कहते थे ना लोग कि यार बीमार है उबली हुई दाल खा रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आप एक बार ये करके देखिए, आप जब भी इसको उबाले कुकर में, सीटी लगवाए तो उसमें 2 या 3 टमाटर जो भी हो, 1, 2, 3 वो आप डाल सकते हैं, तो इसमें टेस्ट बदल जाएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये इसमें छोक नहीं लगा हुआ। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं अपने इसमें। तो मैंने ज़्यादातर इडली के साथ दाल को लिया है। कई बार एक होता है ना कि नमकीन खाने का मन करे, तो नमकीन खाने का जब भी मेरा मन करता था तो मैं उसमें दाल इंक्लूड कर लेती थी, तो दाल खा के मुझे सही में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक लाइफ एक अलग भी हो जाता। और इडली ओवे से आप सांभर, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि सांभर में बहुत सारे मसाले होते हैं और वो मसाले बहुत तेज़ होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको वो मसाले ना उबलते रहते हैं, तो वो मसाले इतने पक चुके होते हैं ना कि आप खाते हो तो एक तो आप खाली पेट होते हो, और ऊपर से आप अगर सांबर खाओगे तो आपको गर्मी कर जाएगा वो सांबर। तो इसलिए अगर आप डाइटिंग पे है तो सांबर को अवॉइड करना, सांबर में बहुत सारे गर्म मसाले डलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। उसकी जगह आप दाल ले सकते हो, दाल को उबालिए कुकर में, उसमें टमाटर डाल के और उसके अंदर इडली डाल के खाइए, ये घर पे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करेंगे तो इन फ्यूचर। अब इसके बाद आते हैं मेन, जो हर कोई कहता है बचपन से हम सुनते आए हैं कि फ्रूट्स में ये होता है, फ्रूट्स में वो होता है। सही में फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मैंने सबसे पहले चुना इन दो फ्रूट्स को क्योंकि मुझे ये दोनों ही पसंद है। और ऑब्वियस है इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेस के लिए अच्छा होता है, आपका ब्लड प्योरीफाई करता है, और आपको एक कहते हैं ना आपको कुछ अलग खाने का मन करे ये करे, तो आप फ्रूट्स लेके चलिए अपने साथ। मैंने यही किया, जब भी बाहर जाती थी या कुछ काम से, ऑफिस ऑफिस है बाहर जाना होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने साथ हमेशा फ्रूट्स को रखती हूँ, फ्रूट्स में मैं संतरे रखती हूँ। आप हो सके तो केला अवॉइड करना, और कई चीज़ें हैं जो कई फ्रूट्स हैं वो अवॉइड करना, क्योंकि वो मीठे होते हैं जैसे केले के लिए बोलते हैं, तो आप संतरे अपने साथ रख सकते हैं। हाँ मैंने अमरूद भी बहुत खाए हैं, अमरूद भी अच्छे होते हैं, मैंने ट्राई किए, मुझे उसका अच्छा ही रिजल्ट आया, तो अमरूद भी आप खा सकते हैं क्योंकि वो भी आपको फुल रखता है, आपको भूख नहीं लगने देता जल्दी से। तो आप संतरे रख सकते हैं अपने साथ, और फ्रूट्स में जो भी हो रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और ऑब्वियस है, मैं ये है ब्लैक सॉल्ट का
काला नमक मैंने ये भी इंक्लूड किया क्योंकि वाइट सॉल्ट मैंने अवॉइड किया बिल्कुल। वाइट सॉल्ट की जगह मैंने ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया, जैसे इडली के साथ दाल में मैं वाइट सॉल्ट नहीं डालती थी, दाल में मैं ब्लैक सॉल्ट और लाल मिर्च नहीं डालती थी, हरी मिर्च डालती थी और हल्दी और टमाटर, ये सिर्फ चीज़ें डालती थी, उसके अलावा कुछ नहीं डालती थी। तो ब्लैक सॉल्ट ने भी बहुत किया। ओट्स में भी अगर आप पानी में बना रहे हैं तो हल्का सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि उसमें एक टेस्ट आ जाए, क्योंकि ये फीका होता है ओट्स का टेस्ट, जो खाते हैं उन्हें पता ही होगा कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, एकदम बिना टेस्ट के होता है। तो उसमें आप हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक बार इंक्लूड करिए, मैंने जो की है। और हाँ, ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट एक स्पेशल चीज़ है जो मैं डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करती हूँ, वो है ये है लस्सी। सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं, बेसिकली लस्सी है। और ये मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। सुबह और शाम को मैंने एक एक गिलास ली है, और क्योंकि आप एकदम भी, मैं वही कहूँगी कि अगर आप एकदम से रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो आपका फेस भी डल होता है और आपको कई दिक्कतें भी आ सकती है। तो एकदम ये चीज़ें ना छोड़ें। आप दही भी ले सकते हैं, दही जैसे बाज़ार में आती है फैट फ्री ये फ्री, खैर मैं मुझे उन पर भरोसा कुछ भी नहीं है, वो बोलते कुछ है और होता कुछ है। तो इसकी जगह आप लस्सी ले सकते हैं, दही लाइए उसमें हल्का सा पानी मिलाइए और उसको बन जाता है, लोगों को बनानी भी आती है। तो लस्सी लीजिए, सबसे बेस्ट है, दही भी ले सकते हैं। तो ये अपनी लाइफ में ज़रूर रखना, फ्रूट्स और लस्सी मैंने लिए, जो मैं कभी भी लेती थी जब दिन में मुझे कई बार ऐसा होता तो भूख लग जाती थी, तो मैं या तो फ्रूट्स लेती थी या लस्सी लेती थी। लस्सी एक तो आपको ठंडा रखता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब डाइटिंग पे होते तो आपको गर्मी लगती है, मतलब एक होता है ना कि आप कुछ ठंडा खाएं ये चीज़ें, तो लस्सी आप लाइफ में इंक्लूड करिए। ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की अपनी लाइफ में और ऑब्वियसली मुझे एक महीने में रिजल्ट मिला है इसका। तो अगर आप भी वेट कम करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की। और एक और बात, जो मेन बात है कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लीजिए। अगर आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी है, आप 7 बजे तक अपना डिनर कर लेंगे तो आपके लिए एक सोने से पहले, 11-12 बजे से पहले कोई सोता भी नहीं है, तो 3-4 घंटे आपके पास होते हैं उस खाने को पचाने के लिए। तो आप 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। और एक और चीज़, आप अगर भारत, जैसे मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने 21 दिसंबर से स्टार्ट की थी डाइटिंग और आज 31 है, 31 जनवरी, तो आज मेरा मतलब मेरा 10 किलो वजन अब तक कम हो चुका है। और इसमें एक और चीज़ है, मैंने बीच में एक दो बार बाहर का खाया, जैसे आपने मेरे चांदनी चौक का ब्लॉग देखा होगा और एक दो ब्लॉग देखे होंगे जैसे मैंने बाहर का खाया। हाँ, मैंने वो खाया बट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाया, और मैंने 7 बजे से पहले खाया और उसके बाद मैंने वॉक भी की। मैं आपको जैसे बता रही हूँ 10,000, 15,000, 20,000 स्टेप्स मेरे डेली के हैं। तो ये चीज़ लाइफ में इंक्लूड करिए। और सबसे अच्छी, सबसे फर्स्ट और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप खुश रहिए लाइफ में, जो सबसे पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी रिजल्ट। तो खुश रहिए और ये सारी चीज़ें एक बार लाइफ में इंक्लूड करके देखिए। और भगवान पे थोड़ा ध्यान, भगवान में थोड़ा ध्यान लगाइए, स्पिरिचुअल होइए थोड़ा, ये सारी चीज़ें आप लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो करिए, और ये सारी चीज़ें अगर आपको इंक्लूड करनी है तो करिए। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहती है बट खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और जो भगवान कहते ना, भगवान की मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें होती है, तो टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए लाइफ में।